गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट और हिंदी बुक पेज नंबर 94। हमने पढ़ा था कि एक नन्हा बीज को हवा लेकर आई थी, मिट्टी में दबाया और दबाया, मिट्टी में दबने से वो क्या हो गया था, उसके अंदर अंकुरित हो गया था। तो जैसे ही उसने अपनी थकान मिटाई तो वो थोड़ा सा मिट्टी के बाहर निकला बीज, तो वो उसने दुनिया देखी है बाहर की। फिर उसमें खाद पानी गया तो उसकी जीवन और बढ़ता गया। जैसे हमें अपने जीवन के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, ऐसे पेड़ पौधों को भी अपने भोजन के लिए जीवन की जरूरत पड़ती है। फिर धरती ऊपर की तरफ की बढ़ा और धरती के अंदर बढ़ा, उसकी जड़ जो थी वो धरती के अंदर पहुंच गई और उसकी पत्तियां शाखाएं, तो उसके पेड़ जो होते हैं वो अंदर उसकी जड़ें मिट्टी में समा जाती है और वो ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। फिर जब वो पौधा बीज बड़ा होता है तो उसमें तने पत्तियां डालियां आती हैं और उसके छोटे छोटे फूल मुस्कुराते हैं और वो नन्हा बीज जो होता है बहुत बड़ा वृक्ष बन के धरती पर लहराता है। फिर वो सबके से मदद करने के लिए वो पेड़ तैयार रहता है, लोग उससे सांसें लेते हैं और चिड़ियां रात को आकर उस पर अपना बसेरा करती हैं और सुबह जाकर चीची चीची गाती हैं और बच्चों की टोली आके उसके छाया में बैठती है और तरह तरह के खेल में वृक्ष के नीचे बैठकर खेलते हैं। तो हमने कल इसके सही उत्तर और शब्द अर्थ पढ़ लिए थे, अब आज हम इसके भाषा कौशल पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। नीचे दिए तत्सम शब्दों का तद्भव रूप से मिलान कीजिए। तत्सम का पत्र, पत्र को क्या बोलते हैं, पत्ता, तद्भव शब्द पत्ता। ग्रह का क्या है, घर। अक्षी का है आँख। क्षेत्र का है खेत। रात्रि का है रात और पक्षी का है पंछी। अब नीचे दिए शब्दों का उच्चारण कीजिए और अंतर समझिए। ये डा से क्या लिखता है, डालियां और डलिया, और अणा से अंगड़ाई लड़की, ढा से ढका ढाल, अड़ा से पढ़ना और बड़ा। अब ऐसे आपको दो दो शब्द फिर से लिखना है डा, और उसके लिए इसके लिए डा का लिखे डमरू डब्बा, अड़ा से लिखिए सड़क पहाड़, ढा से लिखिए ढकना और ढाल, अड़ा से लिखिए पढ़ाई कढ़ाई। कोष्टक में से रंगीन शब्दों के उचित विलोम शब्द छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। तो ये रंगीन शब्द में दिया है, आज हमारी मौखिक परीक्षा है कल। मौखिक का विलोम क्या होता है, लिखित या लिखना, तो आएगा लिखित। तो कल लिखित परीक्षा होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे लिखित, इसको कलर पेंसिल से अंडरलाइन करें। मनुष्य की तरह पशु पक्षी भी परतंत्र नहीं, परतंत्र मतलब किसी के दूसरे के आश्रित, तो आजाद रहना चाहते, परतंत्र का स्वतंत्र, स्वतंत्र रहना चाहते, तो स्वतंत्र को कलर पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए। सत्य की सदा जीत होती है और सत्य का विलोम क्या होता है, असत्य, तो असत्य की हार, तो असत्य नहीं। प्रेम से दूसरों का मन जीता जा सकता है, प्रेम का विलोम क्या होता है, घृणा, तो घृणा से नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे घृणा, इसको भी कलर पेंसिल से अंडरलाइन। सेठ को व्यापार में लाभ की जगह, लाभ का विलोम क्या होता है, हानि, तो हानि को इधर हानि हुई, इसको भी कलर पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे। तो स्वतंत्र असत्य। नीचे दिए शब्दों के वचन बदलिए, एक वचन दिया तो उसके बहुवचन बनाना है। आँख, आँख का क्या होगा, आँखें। पत्ता का पत्ते, रात का रातें, टोली का टोलियां, डाली का डालियां, चिड़िया का चिड़ियां,
अब आपको क्या करना है, रचनात्मक से आपके अपने घर के गमले में कुछ बीज डालकर उनको ध्यानपूर्वक देखिए कि वह कैसे बड़े होकर पौधे बनते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने घर में गमला में कोई से भी किसी भी पौधे के बीज डालना है और रोज़ उनको देखना है कि वो धीरे धीरे कैसे बढ़कर पौधा बनते हैं। और एक और काम आपको क्या करना है, एक कटोरी में गीली रुई में गेहूं के दाने डालिए तथा उनमें फूटने वाले अंकुरों को बढ़ते हुए देखिए। गेहूं के दाने आप रखेंगे किसी चीज़ के अंदर दबाकर तो वो अंकुरित होते हैं, मतलब उसमें से अंकुर फूटते हैं, तो वो आपको देखना है कैसे धीरे धीरे बढ़ अंकुर फूट रहे हैं। अपनी छोटी बहन भाई को वृक्ष के लाभ बताते हुए एक पत्र लिखें। तो आपको एक पत्र लिखना है अपने छोटे भाई बहन को, उसमें बताना है कि वृक्ष लगाने से क्या क्या लाभ है। तो वृक्ष से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती है, लकड़ी मिलती है, औषधि मिलती है, फल और भोजन मिलता है, फल मिलते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं। वृक्षों से प्राप्त होने वाले उपयोगी वस्तुओं की सूची बनाइए। तो आपको यही सूची बनाना है, औषधि, फल फूल, लकड़ी, जो जो आपको पेड़ों से मिलता है उसकी सूची बनाना है। वृक्षों से प्राप्त कुछ उपयोगी पदार्थ नीचे दिए गए उनके नाम लिखिए। वृक्षों से क्या मिलते हैं हमको, फल, कागज, पेंसिल, लकड़ी, औषधि, पत्ते। तो आपको पेड़ों से फल, कागज, पेंसिल, लकड़ी, दवाई और पत्ते मिलते हैं। तो आपका एक बुक में आज ये पार्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू, गुड डे।